नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो मैंने TGT और PGT पे जो भी अभी तक माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को बेस बनाते हुए क्या आपके नए लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये वीडियो उसी पर आधारित है। आज की वीडियो में मैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेके आया हूँ जो अभी तक के टॉपिक पर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को बेस बनाया हूँ। तो आइए उसी चीज़ पर हम चर्चा करते हैं। और उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है मुद्रा के मूल्य का डैश क्या, मुद्रा के मूल्य का सामान्य कीमत स्तर से विपरीत संबंध होता है, सामान्य कीमत स्तर से सीधा संबंध होता है, सामान्य कीमत स्तर से स्वतंत्र संबंध होता है, या पूरे में से कोई नहीं। बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुद्रा के मूल्य और उसकी कीमत में जो रिलेशन होता है वो हमेशा विपरीत होता है। विपरीत का मतलब हो गया जब भी कीमत स्तर बढ़ता है उस स्थिति में मुद्रा का मूल्य हमेशा क्या होता है, घटता है। तो वस्तुतः अगर हम देखें जब हम कीमत स्तर की बात करें तो पी इज्क्वल टू यानी पी प्रोपोर्शनल 1/V, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर कीमत स्तर जितना भी घटेगा मुद्रा की वैल्यू उतनी ही आपकी क्या होगी, घटेगी। तो अगर मान लीजिए मूल्य स्तर दुगना भी हो जाता है तो मुद्रा के मूल्य भी आपका उतना ही तेजी से घटेगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपका सही है ए, सामान कीमत स्तर से विपरीत का संबंध होता है। तो ऑप्शन आपका क्या सही है, ए। अगला क्वेश्चन आपका है सीमांत आय ऋणात्मक होगी यदि मांग क्या होगा, अत्यधिक लोचदार, इकाई लोचदार, अत्यधिक बेलोचदार या पूर्णता लोचदार। देखिए सीमांत आय की बात की जा रही है। सीमांत आय का मतलब है कि एक इकाई उत्पादन के फलस्वरूप जब उत्पादक किसी वस्तु को बेचता है तो उससे जो आय प्राप्त होती है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। बेसिकली सीमांत आय पिछली आय पर ही निर्भर करता है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या अगर मांग बढ़ेगी तो सीमांत आय डिपेंड करेगा, अत्यधिक लोचदार होगा क्या, इकाई लोचदार होगा या अत्यधिक बेलोचदार होगा या पूर्णता लोचदार होगा। अत्यधिक लोचदार वस्तुओं की मांग की जाती है जब इकाई से अधिक होने पर, तो ऐसा ज़्यादातर विलासिता वस्तुओं के संदर्भ में देखा जाता है कि थोड़ी सी कमी मूल्य में अधिकतर वृद्धि लाती है। तो यहाँ पर यह मेंशन किया जाता है कि वहाँ पर विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है, जबकि इकाई लोचदार समानता समान वस्तुओं के संदर्भ में होती हैं। यहाँ पर जितनी मांग बढ़ती है और घटती है उतना ही इकाई लोचदार का स्तर घटता और बढ़ता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें आंसर के हिसाब से जो अत्यधिक बेलोचदार है इसमें सीमांत आय ऋणात्मक हो जाती है यदि मांग बकरा आपका अत्यधिक क्या है, बेलोचदार है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही होगा। मांग की लोच ई औसत आय और सीमांत आय के बीच संबंध को निम्नलिखित में दिखाता है। यहाँ पर मांग की लोच औसत आय और सीमांत आय के बीच के संबंध जो रिलेशन आपका बता रहा उसमें क्या, पहला ऑप्शन है इलास्टिसिटी ऑफ ए आर अपान ए आर माइनस एम आर, या ई इक्वल टू एम आर अपान ए आर इंटू एम माइनस एम आर, या ई इक्वल टू औसत आय सीमांत आय बटे औसत आय, या इलास्टिसिटी औसत आय बटे सीमांत आय। चूँकि यहाँ पर अगर देखा जाए मांग की लोच औसत आय और सीमांत आय के बीच संबंध को निम्नलिखित सूत्र में दिखाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जब आप फर्म की बात की जाती है तो वहाँ पर इकाई लोचदार के संदर्भ में या मांग की लोच या औसत आय सीमांत आय के संदर्भ में जो मेंशन किया जाता है उसमें आपका जो सेक्शन आता है वो है, एक तो आप इसको इक्वल टू आप पी अपान पी माइनस सीमांत आय को भी दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ए। यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही है वो ऑप्शन आपका सही क्या है, ए। नेक्स्ट आया है औसत स्थिर लागत को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर औसत स्थिर लागत की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब TC की बात की जाती है, टोटल फिक्स कास्ट की बात की जाती है, तो टोटल फिक्स कास्ट के संदर्भ में ये TFC प्लस TBC, TFC यानी टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ चूंकि
अवसर स्थिर लागत को प्राप्त करने की बात कर रहा है, तो अवसर स्थिर लागत को आप किस तरीके से, यहाँ पर औसत स्थिर लागत की बात की जा रही है, क्या वो अवसर स्थिर लागत बराबर औसत फिक्स कास्ट अपान कुल लागत के द्वारा, या औसत स्थिर लागत या कुल लागत के द्वारा, या अवसर स्थिर लागत या कुल लागत में संबंध के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, चूंकि अवसर स्थिर लागत की बात की जा रही है, तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी सही होगा, यानी आंसर आपका है डी। नेक्स्ट आते हैं अनुकूलतम उत्पादन वह है जो, यानी अनुकूलतम उत्पादन की बात की जाती है, जहाँ पर उत्पादक जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो हमेशा वो लागत को ध्यान में रखता है, लागत को ध्यान में रखते हुए ही वस्तु का उत्पादन करता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक वहीं पर उत्पादन करता है जहाँ पर उसकी लागत न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर न्यूनतम अगर देखा जाए तो अनुकूलतम लागत फर्म के द्वारा उत्पादित किया जाता है, या औसत लागत के अधिकतम बिंदु पर उत्पादित होता है, या औसत लागत की न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है, या शून्य सीमांत लागत पर उत्पादित होता है। तो चूंकि मैंने कहा अनुकूलतम उत्पादन वह है जहां पर उत्पादक को न्यूनतम लागत प्राप्त होती है, तो वहां पर औसत लागत की न्यूनतम बिंदु पर उत्पादित होता है, आंसर आपका क्या होगा, सी सही होगा। इसी प्रकार से है औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति का गठन हुआ था, वो है आपका 1993 में, ठीक है, वो है आपका 1993 में। कई बार ये सवाल पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है सघन कृषि कार्यक्रम IAP प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि अभी तक की परीक्षाओं में कई बार ये भी पूछा गया है, वो है आपका 1964 में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा, कई बार ये सवाल पूछा गया है। अगला है कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि होता है जब, फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है, फर्म लागत समता नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है, फर्म लागत हास नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने आपसे बताया कि कर की मात्रा की तुलना में कीमतों में वृद्धि कम होता है जब फर्म लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन कर रही है, तो यानी ऑप्शन आपका जो सही होगा वो आपका क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट है आपका सस्फूर्ति अवस्था की शर्तें जिन्हें प्रोफेसर रोस्टो ने दिया है वह है, देखिए रोस्टो की पुस्तक थी स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पर उन्होंने कुछ स्टेजेज की बात की थी, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने बल दिया था, उत्पादन पे बल दिया था, निवेश पर उन्होंने बल दिया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्पादन निवेश दर में वृद्धि, अधिक वृद्धि दर के साथ एक या दो निर्मित क्षेत्र, सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, चूंकि उन्होंने उत्पादन पर सामाजिक और संस्थागत संरचनाओं पर उन्होंने बल दिया था, एक ही साथ साथ उन्होंने दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की भी बात की थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उनका जो ऑप्शन सही होता है इसमें अगर देखा जाए तो आपका सभी सही है, तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, डी। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे अगला है, यदि राष्ट्र को व्यापार से लाभ मिलता है तो उसका उपभोग बिंदु, यानी राष्ट्र को व्यापार की बात की जा रही है, जब भी राष्ट्र व्यापार करता है तो जाहिर सी बात है आयात और निर्यात जैसी दशाएं उसको प्रभावित करती है, अगर आयात अधिक होता है निर्यात कम होता है, या तुलना लागत निर्यात की तुलना में उसका आयात के संदर्भ में अधिक होता है तो कहीं ना कहीं उसका व्यापार भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जब राष्ट्र के व्यापार के प्रॉफिट की बात की जाती है तो उत्पादन वहाँ पर वही होना चाहिए जहाँ पर उसकी सीमा से अधिक होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्पादन समान सीमा पर होता है, उत्पादन समान सीमा के भीतर होता है, उत्पादन समान सीमा के ऊपर होता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा आपका क्या, डी सी, यानी उत्पादन समान सीमा के ऊपर होता है। अगला है हेक्सन ओलिन प्रारूप में साधन बहुलता को परिभाषित किया गया है, हेक्सन ओलिन प्रारूप में साधन बहुलता को परिभाषित किया गया है, साधनों की भौतिक मात्रा से, साधन कीमतों से, दोनों से उपयोग। यहाँ पर हेक्सन ओलिन के सिद्धांत की बात करेगी तो यहाँ पर फैक्टर एंडोनमेंट की इन्होंने बात की थी, साधन प्रचुरता की बात की थी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों चीज़ों से संदर्भ है, यानी कि साधन और साधन की कीमत से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो ऑप्शन आपका सही कितना होगा, दोनों से, यानी ऑप्शन जो आपका सही है वो आपका क्या है, दोनों से, ठीक है।
नेक्स्ट आप चलते हैं, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है फिर राष्ट्र की आपूर्ति वक्र, आपूर्ति के वर्ग में क्या कर सकता है, क्या निश्चित रूप से करता है, क्या करना चाहता है, वर्ग से कोई नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या कर सकता है, क्योंकि जब आपूर्ति की बात कर सक आपूर्ति की बात की जाती है तो कितना उत्पादन होना चाहिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ऑप्शन आपका ए सही है। ब्याज तरलता प्रताप का प्रोत्साहक है, बहुत ही बार कई बार ये सवाल पूछा गया है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें तरलता ही त्याग का पुरस्कार होता है, ब्याज के संदर्भ में कीन्स की चर्चा हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही होना चाहिए वो है आपका ए, जे एम कीन्स के अनुसार। अगला है, यदि दो साधन पूर्णता सम्मिलित हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लो, दो साधन पूर्णता सम्मिलित हो तो ऋणात्मक होगी, अनंत होगी या धनात्मक होगी, या चूंकि प्रस्थापन की लोच की बात की जा रही है, पूर्णता सम्मिलित हो तो यहाँ पर अनंत लोचदार की बात की जाती है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका क्या होगा, धनात्मक होगा, तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, सी यानी धनात्मक। निम्नलिखित में से कौन लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण है, एक तो उपभोग व्यय में वृद्धि, करारों पर में वृद्धि, मांग में वृद्धि या मजदूरी और वेतन में वृद्धि। चूंकि लागत की वृद्धि की बात की जाती है तो लागत स्फीति का अर्थ होता है कि अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जब मजदूरों की मजदूरी में या मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो वस्तु की औसत लागत में वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या उपभोग व्यय में होगा, चूंकि लागत की बात की जा रही है तो लागत के संदर्भ में यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में इसका कोई मतलब ही नहीं है, करणोपण की भी बात की जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ लागत की बात कर रहा है मांग की, तो यहाँ पर होना चाहिए आपका मजदूरी और वेतन में क्या वृद्धि, तो ऑप्शन आपका सही होगा क्या, डी। नेक्स्ट है, बचत गुणक की बात की जा रही है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन के इजक्वल टू वन अपान आर या के इजक्वल टू वन अपान आर या के इजक्वल टू वन अपान आर या के इजक्वल टू वन अपान, इसमें जो ऑप्शन होगा वो बेसिकली आपका जो सही होगा वो आपका ए होगा, के इजक्वल टू वन अपान आर। के इजक्वल टू वन अपान आर, ऑप्शन ए सही है। अगला है, फिशर के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या का समीकरण है, इसको भी अगर आप देख सकते हैं, फिशर के परिमाण सिद्धांत की बात की जा रही है, इसमें इनका जो समीकरण है वो मुद्रा के चलन वेग की बात करता है, मुद्रा की आपूर्ति की बात करता है, तो यहाँ पर क्या पीटी बराबर एमबी होगा या एमबी बराबर बीटी होगा या एमटी बराबर पीबी से होगा या उसमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर एमबी बराबर आपका क्या होगा, बीटी होगा, ऑप्शन सही होगा ए, यानी ऑप्शन कौन सा सही है वो है आपका क्या, ए, ऑप्शन ए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है आपका, परामर्श अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं, अर्थशास्त्री निम्नलिखित मान्यताओं में से किसे उपभोक्ता के संदर्भ में हमेशा मानते हैं, वे बाजार में व्यापूर्ण निर्णय लेते हैं, चूंकि यहाँ पर उपभोक्ता की बात की जा रही है और उपभोक्ता जब भी किसी वस्तुओं को मार्केट से क्रय करता है तो हमेशा वो क्या विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, वो अपने आय से ज़्यादा व्यय नहीं कर सकता है, वे सभी दैनिक मजदूरी कमाने वाले हैं या उनकी रुचियाँ समान दिशा में हैं, इसका यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, वो भी नहीं है, उपभोक्ता जब किसी वस्तु की डिमांड करता है तो हमेशा वो निर्णय विवेकपूर्ण लेता है, यानी कि वही वस्तु का क्रय कर सकता है जिसमें न्यूनतम मूल्य पर मिले और साथ ही साथ उसे अधिकतम संतुष्टि भी मिले। अगला है बाजार कीमत, भाई बाजार कीमत की बात की जाती है और बाजार का मतलब होता है जहाँ पर क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, लगभग समरूप वस्तुएं उत्पादित की जाती है, जहाँ पर उस वस्तुओं का स्थानापन्न नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में भी अगर आप देखेंगे कोई भी विक्रेता स्वतंत्र रूप से आ सकता है और जा सकता है, तो यहाँ पर जब बाजार की बात की जाती है तो बाजार में इतना समय कम होता है कि एक समय में सभी साधन को या सभी वस्तुओं को या सभी उत्पादन करने वाली प्रक्रिया को आप बढ़ा नहीं सकते, यानी पूर्ति को आप लगातार बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पर जो कीमत आएगी क्या वह दीर्घकालीन होगा या स्वतंत्र बाजार में औसत आय कीमत, सभी बाजारों की औसत आय कीमत, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो आपका सही होगा आपका क्या, शॉर्ट टर्म संतुलन यानी अल्पकालीन। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखा जाता है कि जब औसत आय बराबर सीमांत आय बराबर पी या इक्वल टू आपका डी, यहाँ ओ या एक्स दिखाते हैं या वाई, यहाँ पर जब औसत लागत सीमांत लागत को नीचे से काटता है तो वहीं पर संतुलन बिंदु का निर्धारण होता है,
तो इस स्थिति में सामान्य लाभ की बात की जाती है। तो सामान्य लाभ की स्थिति में होता क्या है कि उत्पादन प्रक्रिया में इतना कम समय होता है कि सभी वस्तुओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी अल्पकाल में पूर्ति को बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही है वो आपका है ए, यानी अल्पकालीन संतुलन। लास्ट है आपका, निम्न कोटि की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र ढाल हमेशा होती है। चूंकि निकृष्ट कोटि की बात कर रहा है और निकृष्ट कोटि की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। चूंकि सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में अगर आप देखते हैं कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटता है, या जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ता है, यानी मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है, जैसा कि मार्शल का मांग का नियम कहता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि निकृष्ट या हीन वस्तुओं की बात की जाती है, यानी ऐसी तुच्छ वस्तुएं होती हैं जिसमें उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वो उसकी मांग को बेसिकली आप देखते हैं वो बढ़ा देता है, तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि वस्तु का मूल्य घटने पर घटा देता है और बढ़ने पर बढ़ा देता है, तो उसे हम कहते हैं निकृष्ट वस्तुएँ। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दाईं ओर ऊपर उठती हुई होती है, पीछे की तरफ मुड़ती है, यानी कि जो ऑप्शन आपका सही होगा बी, यानी पीछे की तरफ आपकी क्या होती है, ये यानी ये है, इसे कहा जाता है बी, यानी ऑप्शन जो आपका सही होगा वो आपका होगा बी। तो गाइस ये है आपका आज का जो सेक्शन था, इसमें देखिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फुल फंक्शन कोर्सेज में ही मिलेगा। इसके अलावा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। देखिए ये इकोनॉमिक्स का जो आपका वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है, बेसिकली मैंने आपसे बताया कि टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख के किया जा रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी को आधार बनाकर ही किए गए हैं। इसके अलावा जो सैद्धांतिक तथ्यों की बात की जा रही है उसमें उसी बातों पर बल दिया जा रहा है। तो गाइज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आज तक के लिए इतना, अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।